इसको अगर 100 दफा कोई शख्स पढ़ ले, अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, सही सही, लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह नहीं है कि आप बस पढ़ते जाए। हाँ। ये है क्या? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला असल में क्या? हौल का माना भी कुव्वत है और कुव्वत का माना भी कुव्वत है। ला हौला वला कुव्वत यूं कह लीजिए, ना कोई इज्तिमाई ताकत, ना कोई इन्फिरादी ताकत, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। या ना गुनाह करने, गुनाह छोड़ने की ताकत, ना नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह। यानी या तो एक को पॉजिटिव बना ले, एक को नेगेटिव बना ले, या एक को इज्तिमाई, एक को इन्फिरादी। अब अल्लाह के सामने इसको अपना मसला समझ के ना, अपना जो भी मसला है वो सोचे, सही, और सोच के अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे, या अल्लाह मेरी तो कोई ताकत नहीं, ना इन्फिरादी ना इज्तिमाई, इल्ला बिल्ला। हाँ, तू अता फरमाए ताकत तो हो सकती है। यूं मैं इसको कहता हूँ, ये बेबसी का कलमा है। बेबस आदमी अपने अल्लाह के सामने बेबसी का इजहार करे इस कलमे के जरिए, सही सही, तो फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा था ना मुझे वसवसे आते हैं जी, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ा कर, तेरे वसवसे भी खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा अल्लाह ताला तेरे 100 मसले हल कर देगा। वाह वाह, आप अंदाजा करें, एक शख्स के 100 मसले होते नहीं है।